हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लच्छा प्याज सिखाती हूँ। दो प्याज मैंने छील लिए, इनको मैंने गोल गोल काट लिया है। अब इसमें पानी डालूंगी, पानी में भिगो के रखूंगी थोड़ी देर तक के लिए। ये मैंने बॉल में पानी भर दिया है, उसके अंदर भिगो के रख दिए थोड़ी देर के लिए प्याज, 10-15 मिनट के लिए। ये मैं इसलिए सिखाती हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं, 11th 12th के बच्चे होते हैं, 10th के होते हैं, उनको चाहिए होती है छोटी छोटी रेसिपीज। ये वो लोग मुझसे बोलते हैं कि आंटी आप ये सिखाइए, आप ये सिखाइए, तो मैं इस करके लच्छा प्याज आज बता दे जा रही हूँ बच्चों को भी और आप लोग को भी। देखिए मैंने लच्छा लच्छा निकाल दिया, ये पूरा 10 मिनट बाद ये पूरा निकल गया। इसको आप और बारीक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ, इसको छलनी में डाल देती हूँ, इसका पानी निकल जाएगा। देखिए मैंने ये छलनी में डाल दी है, अब इसको लच्छा लच्छा निकल गया अलग अलग। अगर आप ऐसे ही सर्व करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, वरना हरे धनिया की चटनी हो तो उसके ऊपर डाल के आप सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़।